Hello and good morning all of you. Welcome to Alpha S Academy and we are at the lecture number 12 of the Science and Tech series. Now today we shall be discussing about the physics basic concepts part number 3. Okay, अब problem क्या है कि physics unending है. इसके बाद एक part और करेंगे जिसमें कि हम आपको total internal reflection और ice पढ़ा देंगे. उसके अलावा फिर chemistry start करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो end discussion चलता ही जाएगा. पर देन बेसिक बेसिक हमने कवर कर दिया है. फोर्सेस वगैरह जो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो आ चुकी है, ठीक है. तो बेसिकली सबसे पहले है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है भाई. मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है. केमिकल होगी वो किस केमिकल से बने हुए हैं, ठीक है. मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी कि उन पे फोर्सेस वगैरह लगाएंगे तो क्या क्या होगा. तो देखो कोई भी, पहले सॉलिड्स की बात कर लेते हैं. सॉलिड्स में क्या होगा, अगर आप सॉलिड पे अगर आप फोर्स पर यूनिट एरिया लगाते हैं तो वो क्या था, प्रेशर, ठीक है. अब दो नई चीज आ जाएंगी, एक आ जाएगा स्ट्रेस. भाई वो वाला स्ट्रेस नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं, जो आप लोगों को हो जाता है पेपर देख के, ठीक है. एकदम स्ट्रेस लेने की एकदम लाइफ में जरूरत ही नहीं है, एकदम चिल रहने का, ठीक है. तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इन दोनों ही चीजों को हमें लाइफ से दूर रखना है. बट लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आने चाहिए. भाई स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज अ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है. प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, ये क्या था, प्रेशर. अब ये मुड़ना चालू हो गया, ये क्या है, स्ट्रेस. और अब ये मुड़ते मुड़ते इसका स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो वो क्या है, स्ट्रेन. ओके, तीन टाइप के स्ट्रेस होते हैं, ठीक है. एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. एक आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है और एक हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है, ठीक है. सॉरी, ये लॉन्गिट्यूडिनल को ही कंप्रेसिव कहते हैं. एक होता है आपका शियरिंग स्ट्रेस, टूटने वाला शियरिंग स्ट्रेस होता है, और एक होता है आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है. अंदर कुछ जरूरत नहीं है. स्ट्रेन क्या है आपका, स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन. भाई ऐसे था वो, अब वो क्या हो गया, टेढ़ा हो गया. तो फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेन, ठीक है. अब एक हुक्स लॉ होता है, हुक्स लॉ होता है, और सारे सॉलिड्स हुक लॉस को मारते हैं, बट एक क्लास ऑफ सॉलिड होता है इसको इलास्टोमर्स कहते हैं, इलास्टिक होते हैं थोड़े से, वो हुक्स लॉ को नहीं मानते, ठीक है, बस याद रखना. तो आ गया वो स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेस था, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ेगा. जब आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो एकदम पहले स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, एक टाइम के बाद वो फिर टेपर हो जाएगा, कम होते चले जाएगा स्ट्रेन, क्योंकि उससे ज़्यादा आप उसे बेंड नहीं कर सकते. तो यहाँ पे तो स्ट्रेनिंग हार्ड होगा, यहाँ पे फिर नेकिंग हो जाएगी, नीचे आ जाएगा, ठीक है. अब बात करें फ्लूइड्स की, भाई फ्लूइड्स क्या हुआ, पानी. तो मतलब फ्लो कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, जिस चीज में आप उसको डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा, किसी में भी डाल दो आप उसकी वो शेप ले लेगा, ठीक है. इनकम्प्रेसिबल है, चलो इसको कंपेयर गैसेस से भी कंपेयर करते हुए चलते हैं. गैसेस जो होते हैं कंप्रेसिबल होते हैं, और ये जो होते हैं फैल जाते हैं एकदम मीडियम. अगर ये पूरा मीडियम, अगर ये मीडियम है तो, और इसको बंद कर दिया आपने तो ये पूरे में फैल जाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है. अब इनका जो लिक्विड्स होते हैं, इनका पास फ्री सरफेस होता है, ठीक है. फिर एक बढ़िया सा डायग्राम दे रखा है हमने वहां पे, आप उसे वहां पे जाके दे सकते हैं, बट देन इतनी ही जरूरत है आपको. अब बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की. थर्मल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया हीट. हीट में आपको तीन कॉन्सेप्ट समझने हैं, एक स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं. देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट या क्या होती है, द टेम्परेचर, अगर हम एक डिग्री से अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा. अगर हमने टेम्परेचर को एक डिग्री से बढ़ा दिया तो वो ऑब्जेक्ट कितनी हीट ऑब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो हो जाएगी स्पेसिफिक हीट. मैं दोबारा बता रहा हूँ, टेम्परेचर को हमने कितना, एक डिग्री से बढ़ाना है, उसके बाद देखना है कि उस ऑब्जेक्ट ने
कितनी हीट, या उस बॉडी ने कितनी हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो आपका निकल जाएगा स्पेसिफिक हीट। तो हाइड्रोजन की जैसे 14.3 होती है, आयरन की 0.412 होती है। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। बड़ी सिमिलर है बट हल्का सा डिफरेंस है, बस याद रखना। दोनों में ही हीट चाहिए होगी हमें, तो वो भी क्या, पर यूनिट मास। कितनी हीट लगेगी पर यूनिट मास टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ये दोनों में कॉमन है बात। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में कितनी हीट चाहिए पर यूनिट एरिया टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ये कॉमन है। अब अलग अलग क्या है, अंडर सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। फ्यूजन में क्या होगा, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा, ठीक है। वेपोराइजेशन में क्या हो जाएगा, देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। आप समझे, थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। एक मीडियम ले रखा है आपने, प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखा, अब आपने चेंज कर दिया लिक्विड से गैस में, तो उस पर्टिकुलर चीज का हो सकता है कि प्रेशर और टेम्परेचर, भाई इन्वायरमेंट सेम था ना, बट देन उस पर्टिकुलर चीज का तो चेंज हो ही सकता है, ठीक है। तो फ्यूजन में वो अलाउड है, वेपराइजेशन में वो अलाउड नहीं है। वेपराइजेशन कहता है कि भैया आपको टेम्परेचर और प्रेशर भी चेंज नहीं करना है, और आपको जो है इसको कन्वर्ट कर देना है लिक्विड से गैस में, ठीक है। तीन तरीके से ये होता है, एक कंडक्शन से, एक कन्वेक्शन से, एक रेडिएशन से, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ, फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट चाहिए आपको कितनी पर यूनिट एरिया, कैसे लिक्विड से गैस में जाना है, ठीक है। फ्यूजन में क्या होगा कि आप सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है, और उसका इंटरनल तो चेंज हो सकता है, ठीक है। वेपराइजेशन में क्या होगा कि आप टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे, और तब आप लिक्विड को गैस में डालेंगे। तीन तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब आपको थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप चीज एक चीज समझिए, एंट्रोपी। अब किसी भी सिस्टम में एनर्जी होती है और उस एनर्जी से वर्क कर सकते हैं, लेकिन एंट्रोपी, एंट्रोपी वो एनर्जी है जो कि अवेलेबल नहीं होती वर्क के लिए, एनर्जी अनअवेलेबल टू डू वर्क। और किसी भी सिस्टम में जितना डिसऑर्डर होगा उतनी उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, ठीक है। आप समझे, मतलब सॉलिड में डिसऑर्डर कितना है, देख रहे हैं आप एकदम बंधा हुआ, डिसऑर्डर कम है तो इसकी एंट्रोपी भी कम होगी। लिक्विड में थोड़ा सा बढ़ेगी तो हल्का सा ये सॉलिड से ऊपर आएगी। और आप ये इसमें देखिए, इसमें तो डिसऑर्डर ही नहीं है, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, कोई मजे कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, डिसऑर्डर ज्यादा है तो इसकी एंट्रोपी भी ज्यादा होगी, मतलब दैट इज एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क इज लेस। थर्मोडाइनमिक्स के चार लॉ हैं, पहले से स्टार्ट नहीं होता, जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो लॉ था, लॉ ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड एंड थर्ड। तो जीरो लॉ क्या बोलता है, वो टेम्परेचर के बारे में बात करता है। वो बोलते हैं कि अगर दो सिस्टम किसी थर्ड सिस्टम के साथ, मान लिया आपके पास ए बॉडी है, बी बॉडी है, अगर ये सी बॉडी के साथ इक्विबिलियम में है, मतलब इनका सेम टेम्परेचर है, तो इन दोनों का, ए और बी का भी आपस में सेम इक्विबिलियम होगा, ये भी इक्विली ब्रियम में होंगे, इक्विली ब्रियम में होंगे, ठीक है, ये भी इक्विली ब्रियम में होंगे। ए किसके साथ इक्विली ब्रियम में है, सी के साथ, बी किसके साथ है, सी के साथ। तो जीरोथ लॉ बोलता है कि ए और बी भी इक्विली ब्रियम में होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, जब टेम्परेचर उसके साथ सेम होगा तो उनका भी सेम होगा, ठीक है। देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आप पढ़ चुके हैं 50 बार, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसका मतलब कुछ नहीं है, दोबारा पढ़ा देते हैं, ठीक है। एनर्जी कैन चेंज फॉर्म्स, हमने आपको जो पढ़ाया था ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, उतनी ही बात है, वही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी आपकी हमेशा इक्वल रहेगी। सेकेंड लॉ की बात करें तो एंट्रोपी, एंट्रोपी मैंने आपको क्या बताया था, एनर्जी अनअवेलेबल टू डू वर्क ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम अलग है, ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। अगर वो अकेला रहेगा तो उसको वो लेथार्जिक हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा तो उसकी जो एनर्जी है अन्य जिससे वर्क कर सकता था वो कम होती जाएगी, ठीक है, देर विल बी लेस एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क। थर्ड लॉ को बोलता है एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेज अ कॉन्स्टेंट एज टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो, जैसे जैसे जीरो की तरफ टेम्परेचर बढ़ेगा
उसकी जो एंट्रोपी है उसके बाद वो घटेगी नहीं, बस एक उसके बाद जाके वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये बात थी फोर लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। अब बात करें अगर मैं हम काइनेटिक थ्योरी की, तो कुछ नहीं है, काइनेटिक थ्योरी है एक्चुअली गैसेस से रिलेटेड। ये बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में बताती है आइडियल कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि गैस क्या होता है कि रैपिडली, गैस है क्या, दिस इज रैपिडली मूविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसी भी सिस्टम में जल्दी जल्दी घूम रहे हैं, उसको ही गैस बोल देते हैं। तो आइडियल कंडीशन में जो गैस, जो आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है, ये होती है पी वी इजिकल टू एन आर टी। अब इसमें पी क्या होता है, पी इजिकल टू प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। एन क्या है आपका, ये टोटल अमाउंट ऑफ आइडियल गैस है, एन इजिकल्स टू अमाउंट ऑफ आइडियल गैस। आर क्या है, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी क्या है आपका, टी इज दी टेम्परेचर। ठीक है, टी इज दी टेम्परेचर। नाउ जो रियल गैसेस होती हैं वो इसको फुल्ली तो कभी सेटिस्फाई नहीं करती, बट इसके अप्रोक्सीमेटली आती हैं। ठीक है, और यही काइनेटिक थ्योरी है कि रियल गैसेस सेटिस्फाई द आइडियल गैस इक्वेशन ओनली अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, वो भी कब, लो टेम्परेचर, ओ सॉरी, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, अब बात करते हैं लाइट की। अब देखो जो किस कोई भी लाइट है, आप जो लाइट देख रहे हैं वो सात कलर से बनी हुई होती है। वो सात कलर आपको पता है, उनको बोलते हैं विप ग्योर, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इसमें से अगर मैं बात करूं वेवलेंथ की, देखो एक होता है वेवलेंथ, एक होता है फ्रीक्वेंसी, ये मैंने आपको बता रखा है। दोनों चीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो वायलेट होता है, जो सबसे नीचे होता है वायलेट, इसकी लोएस्ट वेवलेंथ होती है, लोएस्ट वेवलेंथ, सबसे कम दूर तक। और रेड की जो है, इसलिए जो साइन बोर्ड्स होते हैं उस पर रेड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी हाई वेवलेंथ होती है। ठीक है, ऐसे ही मतलब नीचे से ऊपर ये इंक्रीज हो रही है, अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ठीक है, फिर एक फील्ड होती है लाइट की ही, वो उसको वो होती है आपकी रे ऑप्टिक्स। देखो रे ऑप्टिक्स कुछ नहीं होती है, रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं उसको। वो बोलते हैं कि जो रे है या लाइट है वो किसी भी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्लेक्शन क्या है कि किसी भी सरफेस से, सेम मीडियम, मीडियम सेम रहना चाहिए भैया, मीडियम चेंज नहीं होगा, मीडियम चेंज हो जाएगा तो हो सकता है रिफ्लेक्शन हो जाए। अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, किसी भी जब सरफेस पे लाइट पड़ेगी तो वो बाउंस बैक होगी और रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जो लाइट को ऑब्जर्व भी कर लेते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं। बट अभी शीशा मान लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, यहाँ से रे आपकी पड़ी, ये सरफेस है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। बीच में अगर आप इसको बीचों बीच काटेंगे तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब सीधा ऐसे आई और ऐसे वापस जाएगी। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता किससे, आप जब मारेंगे शीशे से मारेंगे तो शीशे दो टाइप के होते हैं, इनको लेंसेज बोलते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। पहले कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इट इज थिकर एट द मिडल। ठीक है, ये बीच से मोटा होता है, ठीक है, और साइड से पतला होता है, थिनर होता है। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये है। अब कॉन्वेक्स लेंस में आप कैसी भी इमेज बना सकते हैं, या तो इरेक्ट बना सकते हैं या इन्वर्टेड, दोनों बन सकती हैं उसमें। इरेक्ट मतलब सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। ठीक है, किसी भी साइज की बना सकते हैं। ठीक है, साइज आपका स्मॉल हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कोई भी पोजीशन में आ सकती है आपकी इमेज। ठीक है, बट ये सब जो फायदे हैं आपके
कॉनकेव में अलाउड नहीं, कॉनकेव में बताएंगे। जैसे कॉन्वेक्स कौन सा, आप माइक्रोस्कोप जो यूज करते हैं उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, आपके जो टेलीस्कोप्स होते हैं उसमें होता है, आप ठीक है, अब जो टेलीस्कोप होते हैं जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं उसमें कॉन्केव भी होता है। तो टेलीस्कोप को थोड़ा छोड़ दीजिए, इसमें दोनों लगते हैं एक्चुअली। अगर आप 12th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कि दोनों लेंस लगते हैं। मेरे एक दोस्तों का क्वेश्चन भी गलत हो गया था जब 12th हम लोग पढ़ रहे थे, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों पूछा गया था उस साल। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप याद रखिए, आप माइक्रोस्कोप याद रखिए, टेलीस्कोप भी याद रखिए। ठीक है, कॉन्केव लेंस जो होता है बाहर से पॉलिश्ड, ये तो अंदर से पॉलिश्ड होते हैं भैया, ठीक है, कॉन्केव लेंस जो होते हैं वो बाहर से पॉलिश्ड होते हैं, ठीक है, और इसमें जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है, एक तो रियल नहीं बनेगी, हमेशा इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड नहीं बनेगी और डिमिनिश्ड बनती है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा काम के नहीं होते हैं कॉन्केव लेंस। ठीक है, ऑल्सो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस मतलब अगर आप किसी ने अगर पढ़ा होगा तो सारी इमेज है यहाँ पे आके ऐसे ऐसे बनाते थे, मैं तो भूल भी गया आप, ठीक है, कन्वर्ज हो जाती है। और ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, ऐसे इमेज जो है वापस जाती है, कौन सा, कॉनकेव इज अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। एक फिर मैग्निफिकेशन होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, अच्छा कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है हमेशा, ठीक है, प्लस जो है प्लस होती है, पॉजिटिव होती है पावर, कॉनकेव की नेगेटिव होती है पावर। ठीक है, एक चीज होती है मैग्निफिकेशन, देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि आप बड़ा कर देते हैं चीजों को, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है कि इट इज नेगेटिव कॉरेस्पॉन्डिंग टू रियल इमेज एंड पॉजिटिव ऑफ फॉर वर्चुअल इमेज। ठीक है, नेगेटिव फॉर रियल इमेज एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल रियल इमेज करने बैठेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, हमें इतना ही जानना है। तो अगले लेक्चर में रिफ्लेक्शन और आइस पढ़ लेंगे एंड फ्रिंज को खत्म कर देंगे, तो पार्ट चार ही पार्ट आएंगे फिजिक्स में एंड देन फिजिक्स विल बी ओवर। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग अस, आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे, टेक केयर, कीप गुड हेल्थ एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।